मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत विकास भवन में स्थापित एवं संचालित अध्ययन केंद्र का मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने अभ्युदय योजना शुरू होने पर चयनित छात्रों को बधाई दी और छात्रों से अपने अनुभव को साझा किया तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को तैयारी करने के टिप्स दिए। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने छात्र व छात्राओं से कहा कि सभी लोग एक लक्ष्य बना लें और उस लक्ष्य की तरफ अपने ध्यान को तब तक केंद्रित रखें जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह व प्रतियोगी छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। अच्छा, उसके बाद करेंगे। हमने जो स्टडी सर्कल है जहाँ पे बैठ के आप पढ़ सकते हो, लेटेस्ट मैगजीन्स न्यूज़पेपर यहाँ अवेलेबल है, वो यहाँ शुरुआत हमारे जिले के जो हमारे जो मुखिया है उनके द्वारा की जाए। यहाँ आए सभी साथियों, जैसे आज एक बहुत अच्छी योजना का पहल हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना पूरे प्रदेश में प्रारंभ किए हैं। ये हम लोग का रिसोर्सेस का कहाँ कहाँ जो ज्ञान है, ज्ञान के एक तरफ से एक छत्र छाया में लाने के प्रयास था। खासतौर पर आप लोग कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे, किसी चीज़ का तैयारी कर रहे होंगे, JEE का और NDA का और UPSC का, UPSC का, किसी भी एग्जाम को उस पर हम लोग एक प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी जनपद में वैसे ISPCS इंस्टीट्यूशन बन के तो तैयार है, एक सप्ताह 10 दिन में वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पूरा क्लासरूम जो वहाँ चलेगा। आज एक तो लाइब्रेरी भी हम लोग इनॉग्रेट कर रहे हैं, जूबली लाइब्रेरी है, 100 लोग बैठ के पढ़ सकते हैं, उसका भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कितने जरूरत किताब है वो वहाँ भी मिलेगा, और CDO साहब पहल से आज यहाँ भी शुरू हो रहा है। और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप हम लोग 2003 बैच का है और कुछ मैं 2008 बैच का हूँ, इंद्रजीत और लेटेस्ट है, और तमाम IAS IPS ऑफिसर आप गाइड करेंगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में जो आपका प्रैक्टिस कैसे होना है, और यहाँ का अवेलेबल फैकल्टी तो आपको अच्छा से गाइडेंस के लिए व्यवस्था करा लेंगे। जैसे मदन मोहन मालवीय कितने लोग आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ इसका फायदा ले लीजिए और आपको सुझाव भी चाहिए और बेहतर कराने के लिए, अभी से ही हमें लगता है कि हम मिलकर करेंगे तो वो बेहतर कर सकते हैं, तो हमारा साधन संसाधन सीमित ग्रामीण में अच्छा करेंगे। आज का इसी शुभ अवसर पर आए हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आदर करता हूँ, तैयारी जारी रखिएगा, जरूर आप जो मंजिल हासिल करने चाहते हैं जरूर हासिल करेंगे, जल्दी हासिल करेंगे। तो हम लोगों ने अभी संवाद भवन में भी कई सारी चीजें की हैं, दो तीन बिंदु मैं कहना चाहूँगा। एक, अभ्युदय योजना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम नहीं है, ये बहुत आपको अच्छे से समझना होगा, कुछ पे ये भ्रांति ना हो कि इसमें हमको स्कॉलरशिप देंगे या कुछ चीज़ें देंगे। क्लैरिटी और रूल्स गेम के बहुत पहले से तय हो जाने चाहिए और उनमें ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी होनी चाहिए, इसमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, कोई फाइनेंशियल पैकेज नहीं है। दूसरा, इस योजना के माध्यम से आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है फिर से उसकी क्लास में देने नहीं जा रहा है, मैं राजनीतिक विज्ञान का अभ्यर्थी हूँ, उसको देखता हूँ और मैं प्ले को पढ़ाऊँगा, फिर हम आपकी जो अप्रोच है एग्जाम की उसमें करेंगे और जनरल स्टडीज के लिए हम आपको तैयार करने का प्रयास करेंगे, जो अपडेटेड बुक्स है उसको देंगे। और ये मैं जिलाधिकारी गोरखपुर और CDO साहब को धन्यवाद, उसके साथ साथ पुस्तकालय की भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम अपडेटेड नई बुक्स जो आपको परीक्षाओं के लिए आवश्यक है वो हम दे सकते हैं। बट
जैसा पूर्व में भी कहा गया है, पुस्तकें और पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर यदि किसी को सफल बना सकते हैं, तो जितने समग्र बच्चे हैं, प्रॉस्पर्स फैमिलीज के बच्चे हैं, उनके पास किताबों की कमी नहीं है, टैबलेट भी है, ऑनलाइन भी है। दृष्टिकोण चाहिए, दृष्टि चाहिए, अप्रोच चाहिए। और मैं वहाँ पर भी कह रहा था उसकी पुनरावृत्तियाँ करना चाहूँगा कि पेड़ से सेब जो है पहले भी गिरता था, बच्चे से ताल्लुक न्यूटन थे जिन्होंने उसको देखा, समझा, सोचा और अपने दृष्टिकोण से ग्रेविटेशन लाभ किया। वो दृष्टिकोण यदि आपका है तो सफलता मिलेगी। दूसरा, सकारात्मक अप्रोच।